हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 3% ऊपर ट्रेड कर किया आज। एक अच्छा क्लोजिंग इस स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिला। अगर हम लोग इस पूरे वीक की बात करेंगे तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट साइडवेज क्लोज हुआ है 0.64% के नेगेटिव रिटर्न के साथ। और अगर हम लोग इस पूरे मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक तकरीबन 15% नीचे क्लोज हुआ है। इस स्टॉक में जो है एक गुड न्यूज़ है, उसके ऊपर हम लोग इन डिटेल में बात करेंगे और फिर हम लोग लास्ट में टेक्निकली भी बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स मिल जाएगा। साथ ही साथ जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट आता है या फिर आ सकता है, या फिर कहीं पर कोई अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, कहीं पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, या फिर स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन है, रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, सभी चार्ट्स को हम लोग लगातार कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट मिलता रहे। रिसेंटली हम लोगों ने कुछ चार्ट्स को शेयर किया था, जिसमें कि एक था शारदा मोटर्स। शारदा मोटर्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। इसी तरह आज के सेशन में अगर देखेंगे तो आज मॉर्निंग में हम लोगों ने रूट को शेयर किया था। रूट में आज ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी वीकली बेसिस पे एक अच्छा क्लोजिंग देखने को मिला है। इनफैक्ट मंथली बेसिस पे भी एक अच्छा क्लोजिंग है। स्टॉक में आने वाले समय में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये सभी चार्ट्स जो है मिलते रहेंगे। साथ ही साथ इन केस अगर आप एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर एफएनओ में ट्रेड करते हैं, तो एफएनओ के लिए एक डेडिकेटेड प्रीमियम ग्रुप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कल हम लोगों ने शेयर किया था टाटा मोटर्स का कॉल, ये हेज पोजीशन है जो हम लोगों ने शेयर किया था। आज इसमें एक अच्छा तेजी देखने को मिला, हम लोगों ने पार्शियल प्रॉफिट भी बुक किया। तो लगातार इसी टाइप के कॉल्स जो है मैं शेयर करते रहता हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे करना है, तीन लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन। तीन में से किसी एक में अकाउंट ओपन कीजिए, वहाँ पे एफएनओ को ट्रेड कीजिए और उसके बाद जो है आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, डिटेल शेयर कर दीजिए, आपको उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए ऐड कर दिया जाएगा। इनकेस अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर आप चाहे तो मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं, जिसका कि सारा डिटेल आपको पिंड मैसेज में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके सारा कुछ चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले गुड न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल का कॉल आया है। इन्होंने उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट 57 रुपीज पर शेयर का दिया है। अभी अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है 45 रुपीज के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहां से 12 पॉइंट ऊपर ऑलमोस्ट जो है स्टॉक यहां पे मोर देन 25% का रैली इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, ऐसा कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है। इसके साथ ही एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है आपको कंपनी के बोर्ड ने डिविडेंड्स डिक्लेयर किया है। 1.50 रुपीज पर शेयर का जो है यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलने वाला है। डिविडेंड का डेट जो है वो आपको 12th of July है, रिकॉर्ड डेट, यानी कि अभी भी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है जहाँ पे कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। 12 जुलाई से पहले आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए, जिससे कि 12 जुलाई को जब ये रिकॉर्ड डेट होगा तो आपको फिर उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप चाहे तो अभी भी बाय कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर।
टेक्निकली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक डाउन साइड में सपोर्ट ले रहा है 43 के लेवल पे, स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की साइड में स्टॉक रेसिस्टेंस ले रहा है 61-62 के लेवल पे। अगर हम लोग वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं तो वीकली बेसिस पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक ने यहाँ पे कंप्लीट किया एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट करने के बाद स्टॉक यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट मोड में है। अगर यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करता है और स्टॉक वापस से इस लेवल को टच करने के लिए जाता है तो क्लियरली नेकेड आई से भी आपको विजिबल होगा ये एक है कप एंड हैंडल पैटर्न। और कप एंड हैंडल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो हम लोगों को पता है टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है ये डेप्थ। यहाँ पे जो डेप्थ है ये डेप्थ है तकरीबन आपको 48 पॉइंट का, यानी कि अगर एक बार स्टॉक ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को 100, 110, 115 ये सभी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात आता है जो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर अभी आपके पास पोजीशन है तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप होल्ड करके रख सकते हैं। मंथली चार्ट पे अगर देखेंगे तो मंथली चार्ट पे स्टॉक नीचे जरूर गया था बट इस लेवल से 40 रुपीज के लेवल से स्टॉक में एक अच्छा हम लोगों को बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। स्टॉक एक शानदार तेजी किया, अभी यहाँ पे जो है स्टॉक आपको एक वापस से लो लगाया है बट एक लोअर वीक रिजेक्शन है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। नीचे इमीडिएट सपोर्ट है इस वजह से इस बियरिश पैटर्न का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पे स्टॉक जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के लिए जा सकता है और एक बार स्टॉक 61 रुपीज के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को 100, 110 ये सभी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना है तो फ्रेश बाइंग के केस में भी आप वेट करेंगे, एटलीस्ट यहाँ पे वीकली बेसिस पे हम लोगों को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलना चाहिए। स्टॉक में गिरावट हुआ है, स्टॉक यहाँ पे एक बार के लिए इस ट्रेंड लाइन को जब तक स्टॉक ब्रेकआउट नहीं करता है यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अगर स्टॉक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है उसके बाद हम लोग इस स्टॉक को बाय करने के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन जब तक स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। एक बार यहाँ पे निकल जाए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर आपको यहाँ पे बाय करना है और स्टॉक ऊपर की साइड में 100, 120 इन सभी लेवल्स की तरफ जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।